ऑपरेशन विजय कानपुर देहात सम्मेलन में पहुंचे प्रमुख महासचिव वीके सिंह का हुआ भव्य स्वागत। ऑपरेशन विजय की कार्ययोजना के तहत उत्तर प्रदेश में सम्मेलनों का सिलसिला लगातार जारी। ऑपरेशन विजय के कानपुर देहात, जालौन एवं हापुड़ में हुए सम्मेलन भारी भीड़ हुई शामिल। ऑपरेशन विजय कानपुर देहात सम्मेलन में वीके सिंह व जालौन में पुष्पेंद्र यादव बतौर मुख्य अतिथि हुए शामिल। ऑपरेशन विजय की कार्य योजना पर देशवासियों का लगातार बढ़ रहा विश्वास, ले रहे सदस्यता। कानपुर देहात से शिवम कुमार, मीडिया प्रभारी की रिपोर्ट। हाँ। पूर्व प्रधान जी, हमारे विधानसभा उपाध्यक्ष राधेश्याम जी का स्वागत करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। गुलाब सिंह जी बताते रहिए। गुलाब सिंह जी आइए। गुलाब सिंह जी के द्वारा हमारे प्रधान जी श्यामपुर ऐसे खड़े हुए जैसे तस्वीर अच्छी आ गई है, बैठक भी आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी को बुलाइए भाई। गन्नीलाल जी द्वारा हमारे विधानसभा उपाध्यक्ष किशन चंदेल जी को का स्वागत करिए। रामचंद जी द्वारा हमारे राजू राय बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे क्या है इनके लिए जोरदार तालियां। राम बाबू शिवकरण जी के द्वारा राम बाबू जी सक्री योद्धा बहुत रोजमर्रा की जिंदगी में खेल रहे हैं। कोई किसी के घर पे कब्जा कर रहा है, कोई किसी को जबरदस्ती दबाने का प्रयास कर रहा है, कोई किसी के ऊपर फर्जी मुकदमा लिखवा रहा है। ऐसे केस में अगर कोई व्यक्ति हमारे संगठन का साथी है और वो गलत नहीं है तो मैं आपको इस मंच से विश्वास दिला सकता हूं कि आप छाती चौड़ी करके घूमिए। अगर कोई आपको हाथ लगाने का काम करेगा तो संगठन उसके हाथ काटने का काम करेगा। जितने भी लोग हैं हमारे संगठन में सबने ये कसम खाई हुई है कि हम लोग इकट्ठे हुए हैं एक दूसरे की मदद करने के लिए। आज गुलाब जी यहाँ रहते हैं, इनका ये गांव है लेकिन ये बसे हैं कानपुर नगर में। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर इनके गांव का कोई मामला होगा और अगर ये फोन करके संगठन को बताएंगे तो इनके फोन आने से 3 से 4 घंटे के अंदर संगठन का 200 से 250 आदमी इनके गांव में खड़ा होगा इनकी समस्या के समाधान करने के लिए। ऐसा संगठन आपको दिखाई देता आज की डेट में कहीं? बताइए ऐसा कोई संगठन है? आज इन्होंने बुलाया तो हम आपके गांव आए। हमारा योद्धा साथी जहां भी हमको बुलाएगा हम तरह की कोई समस्या परेशानी अगर होती है तो आप गुलाब सिंह जी को फोन करिए, हमारे कार्यालय आइए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी हर समस्या का समाधान बिल्कुल निशुल्क किया जाएगा, आपके परिवार के सदस्य के रूप में किया जाएगा। और यदि आपको लगता है कि आप भी अपनी समाज में कोई सक्रिय भूमिका निभाते हैं, देखिए सबसे ज्यादा खतरा किसको है? जो आदमी दूसरों के लिए लड़ाई लड़ता है उसकी दुश्मनी सबसे ज्यादा होती है कि नहीं होती है? अभी जो अपने काम से मतलब रख रहा है, अपना कमा रहा है, खा रहा है, उससे किसी को मतलब नहीं। लेकिन जो सही की आवाज उठाएगा दूसरे उसके विरोधी बन जाएंगे। जब उसके विरोधी बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो उसको भी परेशान करेंगे। तो हम ऐसे लोगों के लिए, अगर आपको लगता है कि आप सक्रिय भूमिका निभाते हैं, आप लोगों के लिए 2 कदम आगे बढ़ते हैं, ऐसी स्थिति में आपको कोई दबाने का प्रयास ना करे तो आप मेरे संगठन के साथी बनिए।
आप अगर मेरे संगठन के साथ जुड़ेंगे तो आपके अंदर एक एक आदमी में संगठन के पूरे योद्धाओं का बल होगा। आपकी आवाज में संगठन के पूरे पूरे योद्धा आपके पीछे खड़े होंगे, ये मैं आपको वादा करता हूं। कितनी बड़ी ताकत हम दे रहे हैं, आप महसूस कर रहे हैं इस बात को? जिसके घर में 10 भाई होते हैं, कहावत होती है ना कि जिसके घर में जितनी ज्यादा लाठी उतनी ज्यादा ताकत, ये कहावत है कि नहीं है? लेकिन अब तो लाठियां खत्म हो गई, घर में चार लाठी थी, चारों अलग अलग कमरे में हो गई, तो कोई भी लाठी तोड़े आके दूसरे को फर्क ही नहीं पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में अगर आप